लेके, अब मैं रोटी लेने गई थी तो बाई चांस बोलते तो नीचे जाती कि ये तो रोटी को चूलिया मेरे घर पे लेके जानी थी, तेरे को इतना पता नहीं चलता है, बहुत डांटा भी मैं रोई। तो बाई जी ने जाके सब रोटी, जितनी रोटी थी तो मैंने चूलने के कारण सब रोटियां कुत्ते को ड्रेन डाल दी। मैं फिर मैं रोने लगी, उसके सर को बोला तो सर ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो मम्मी को आके बोला, मम्मी वापस स्कूल गए। अभी हमने जो वीडियो देखी, उदयपुर के एक छोटी बालिका ने रोटियों को हाथ लगाया, उसके लिए उसे दंड देके वो सारी रोटियां कुत्तों को खिलाई गई। मैंने अभी अभी एक बयान दिया था कि जो भारत में जो कोई जातीयवादी, जो असमानता करने वाली या असहिष्णुता बढ़ाने वाली घटनाएं हो रही है, उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार होने वाली यहाँ की आरएसएस संघ प्रणाली से रिलेटेड होने वाली बीजेपी सरकार है। मनुवादी संस्कृति ये बताती है, मुझे माफ़ करना, मुझे किसी की भावनाएं दुखाना नहीं है, मगर मुझे कहना पड़ रहा है बहुत दुख से कि जिस जाति में, जिस धर्म में कुत्ते को दत्त का अवतार कहते हैं, सांप को शंकर का अवतार कहते हैं, इतना ही क्या, जिसको हम देखते भी नहीं, जिसकी घिन आती है, उस डुक्कर को भी वराह का, विष्णु का अवतार कहते हैं। उस संस्कृति में मानव होने के बावजूद भी केवल जातीय अवसर पे उसकी जातीयवादी मानसिकता से उसकी मानवता नाकारी जाती है, उसका ये नमूना है कि आज हम बोलते हैं कि ये देश महासत्ता बनना चाहिए, अपना भारत देश महासत्ता के रेस में होना चाहिए। ये कहने वाला अपना राज देश भारत राष्ट्र आज इस तरह से छुआछूत के बीमारी से आज भी जर्जर हुआ हमें दिखता है। इस देश के बारे में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशों में जाकर खुद का जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, सरकार की नहीं या देश की नहीं, खुद की और खुद के विचारों की, संघ प्रणीत विचारों की, वो गीता और आरएसएस की मनुस्मृति मानने वाले जो है वो इस घटना के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के बहुत जिम्मेदार और बहुत गैर तरीके से जिम्मेदार है, ये मुझे कहना पड़ता है। ये देश ने, इस भारतवर्ष ने सम्राट अशोक का इतिहास दिया है, इस भारतवर्ष ने तथागत बुद्ध का इतिहास दिया है कि जो स्त्री पुरुष समानता मानता नहीं, स्त्री पुरुष समानता मानता है, जाति भेद मानता नहीं। इस देश में जो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, जिस भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा और मानवता का मार्ग और संदेश पूरे दुनिया को दिया, उस भगवान बुद्ध के देश में भगवान बुद्ध और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित संविधान को नाम शेष करने के लिए अनेक प्रकार के क्लुप्तियाँ करके जातीयवादी मानसिकता मनुस्मृति का इम्प्लीमेंटेशन हर एक स्तर पे करते दिखाई दे रहा है, और इसी का ये एक माध्यम है। मैं इसका और इस जैसे अनेक घटना का जो पूरे देश में ऊना से लेकर कछुआ तक और वहाँ से लेकर हिमायत अपना अखलाक तक, खाली सिर्फ बड़े बीफ का गोश होगा या गाय का गोश होगा, उसके लिए केवल शंका से यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों पर भी अत्याचार किया जाता है, यहाँ का हमारा क्रिश्चियन भाई भी सुरक्षित नहीं है। इस सब घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संघ प्रणीत जो राज्य चल रहा है वही जवाबदार है, वही जिम्मेदार है, ये मुझे कहना है। और मैं इस सब घटना का, जातीयवादी अत्याचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, इन सब घटनाओं का कड़ी से कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और निषेध करती हूँ।